दोस्तों यहाँ पे पोको ने फाइनली लॉन्च कर दिया अपने M सीरीज की तीसरे इंस्टॉलमेंट यानी कि पोको M 3 को, और यहाँ पे इंडिया में फिलहाल इसका लॉन्च नहीं अनाउंस हुआ है, लेकिन कुछ ही दिन बाद हमको शायद ये मिल सकता है। लेकिन आज आप कम्पीट करेंगे इसके साथ अपने फेस ऑफ सीरीज में उसके ही प्रेडिसेसर यानी पोको M 2 को, और उसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे यहाँ पे मोटोरोला के मोटो जी 9 एक बजट सेगमेंट के फोन को। यहाँ पे दमदार जो बजट किंग है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन सा वाला आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, और कौन से प्राइस में और कौन से स्पेसिफिकेशन में ये फोन आने वाला है, क्यों आपको उसको लेना चाहिए या फिर क्यों आपको उसको अवॉइड करना चाहिए। तो जल्दी से शुरू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिजीत, आप देख रहे हैं का चैनल, आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं कुछ नया। और दोस्तों हर बार की तरह हम लोग शुरुआत करेंगे डिस्प्ले कंपैरिजन से, और यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे पोको M2 की। तो M2 में आपको 6.53 इंच का IPS LCD फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ मिलेगा। 60 हर्ट्ज का आपको यहाँ पर रिफ्रेश रेट जो है वो मिलने वाला है। वहीं पे मोटोरोला की G9 की बात करें तो वहाँ पे आपको 6.5 इंच का आपको IPS LCD मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपका रेजोल्यूशन जो है वो HD प्लस है, यानी यहाँ पे आपको सिर्फ HD से ही संतुष्टि करना पड़ेगा। वहीं पे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। बात करें लेटेस्ट पोको M3 की, तो यहाँ पे आपको 6.53 इंच का IPS LCD मिलेगा फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ, और 60 हर्ट्ज का आपको यहाँ पे रिफ्रेश रेट जो है वो मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे डिस्प्ले के कंपेरिजन में हम बात करें तो M2 और M3 में कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों में ही आपको फुल HD और स्क्रीन साइज जो है सेम मिलने वाला है अलॉन्ग विद दी रिफ्रेश रेट। तो यहाँ पे आपको मोटो G9 में HD प्लस से ही यहाँ पे संतुष्ट रहना पड़ेगा, ये एक ड्रॉबैक इस फोन का हो सकता है। अब जल्दी से देखते हैं बाकी कंपेरिजन में कौन सा फोन यहाँ पे आगे बढ़ता है। अगला जो पैरामीटर हम लोगों का होता है वो है फ्रंट कैमरा का। तो यहाँ पे M2 में अगर बात करें सबसे पहले तो यहाँ पे आपको 8 MP का यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा मिल रहा है एक ड्रॉप नॉच के अंदर। वहीं पे आपका एपर्चर जो है F2.0 का है। वहीं पे मोटोरोला का मोटो G9 में भी आपको 8 MP का ही यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा मिल रहा है, वो भी ड्रॉप नॉच के अंदर, और यहाँ पे आप एपर्चर जो है वो 2.2 का है। वहीं पे लेटेस्ट पोको का M3 का भी फ्रंट कैमरा 8 MP का ही मिलेगा, यहाँ पे एपर्चर आपका F2.05 का आने वाला है, ये भी आपको ड्रॉप नॉच के अंदर मिल जाएगा। तो फ्रंट कैमरा के मामले में तीनों के तीनों फोन ही ऑलमोस्ट सिमिलर है यहाँ पे, हालांकि एपर्चर का थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे उस बात पे आपको ज्यादा डिफरेंस जो है वो नोटिस नहीं होगा। अगर आप साइड बाय साइड तीनों फोन के कैमरा को कंपेयर करें तो आपको शायद ही यहाँ पे कोई डिफरेंस देखने को मिले। अब जल्दी से बात करते हैं यहाँ पे रियर कैमरा की, और देखते हैं एग्जैक्टली रियर कैमरा में कौन सा फोन एक दूसरे से आगे निकल जाता है। तो रियर कैमरा में सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे पोको M2 की, तो आपको यहाँ पे 13852 का क्वाड कैमरा सेटअप जो है वो मिलने वाला है, जिसमें आपको 13 प्राइमरी कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, 5 MP का मैक्रो और 2 MP का आपको यहाँ पे डेप्थ सेंसर जो है वो मिलने वाला है। वहीं पे बात करें अगर मोटो G9 की, तो आपको यहाँ पे 4822 का ट्रिपल रियर कैमरा मिल रहा है, जिसमें 48 प्राइमरी कैमरा है, 2 MP का डेप्थ कैमरा और 2 MP का मैक्रो कैमरा आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये यहाँ पे भी आपको ट्रिपल रियर कैमरा जो है वो मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पे मजेदार बात यह है कि मोटो M2 के बजाय यहाँ पे मोटो M3 में हम लोगों को अपग्रेड की जगह थोड़ा डाउनग्रेड दिख रहा होगा, क्योंकि आपको यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आपको 48 MP का आपको यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है पिक्सल, लेकिन बहुत लोगों के लिए क्वाड कैमरा जो है सुनने में अच्छा लगता है, एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है, लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा 4822 का मिलेगा, जिसमें 48 MP का आपका प्राइमरी कैमरा है और आपको 2 MP का माइक्रो और 2 MP का आपका डेप्थ कैमरा जो है वो मिलने वाला है। तो ट्रिपल रियर कैमरा काफी डिसेंट है, लेकिन यहाँ पे वाइड एंगल कैमरा नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना होगा और डिसीजन उसके हिसाब से लेना होगा। अगर आपको वाइड एंगल चाहिए तो आपको पोको M3 या फिर इसी रेंज के बाकी फोन्स को आपको एक बार देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे पोको M3 के साथ इसी रेंज के बाकी फोन्स के कंपैरिजन के फेस ऑफ वीडियोस के लिंक भी मिल जाएंगे बहुत जल्द, तो उसको चेकआउट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पे कौन से फोन में कौन सा प्रोसेसर हम लोगों को दिखने वाला है। तो जल्दी से वहाँ पे देखते हैं और प्रोसेसर के कंपैरिजन जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे पोको M2 की, जो आपको यहाँ पे रन करते हुए दिखेगा MediaTek Helio G80 के प्रोसेसर पे, जो कि 2 GHz ऑक्टाकोर में रन करता है। यहाँ पे बात करें प्रोसेसर के GPU की, तो यहाँ पे आपको Mali का G52MC2 का यहाँ पे GPU मिलेगा, जो कि डिसेंट गेमिंग जो है हैंडल कर लेता है। यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन में शायद आप यहाँ पे गेम नहीं खेल पाएंगे, लेकिन यहाँ पे डिसेंट गेमिंग जो है वो इजीली सपोर्ट करेगा ये आपको Helio का G80 प्रोसेसर। बात करें वही पे मोटो के मोटो G9 की, तो आपको यहाँ पे Qualcomm Snapdragon का 662 का प्रोसेसर जो है 2 GHz में रन करते हुए दिख जाएगा।
वहीं पे गेमिंग और दूसरे ग्राफिक रिलेटेड काम के लिए यहाँ पे एडिनो का 610 का जीपीयू आपको इनबिल्ड यहाँ पे मिल जाएगा। वहीं पे आखिरी फोन यानी पोको M3 की बात करें तो यहाँ पे पोको M3 में हम लोगों को सेम क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि 2 GHz ऑक्टाकोर क्लॉक स्पीड पे रन करता है। और यहाँ पे भी आपको जीपीयू जो है वो एडिनो का 610 मिल जाएगा, यानी कि आपको यहाँ पे डिसेंट गेमिंग जो है आप कर सकते हैं। हाई रेजोल्यूशन गेम यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन एक मिड रेंज फोन के हिसाब से यहाँ पे बहुत ही डिसेंट जो है आपको स्पेक्स मिल रहा है तो कि ये देखते हैं। अभी जल्दी से यहाँ पे रैम और रोम की बात, तो यहाँ पे रैम और रोम की बात करते हैं। यहाँ पे पोको के पोको M2 में आपको यहाँ पे 6 GB का रैम का सिंगल वेरिएंट का रैम जो मिल जाएगा, 64 GB 128 GB दो वेरिएंट में आपको यहाँ पे इंटरनल मेमोरी मिल जाएगी जो कि LPDDR4X का रैम आपको यहाँ पे मिलेगा। अप टू 512 GB का एक्सपेंडेबल ऑप्शन है, हालांकि यहाँ पे आपको डुअल सिम नहीं, यहाँ पे आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ में आपको यहाँ पे मोटोरोला के मोटो G9 की बात करें तो 4 GB का सिंगल 64 GB का इंटरनल मेमोरी का एक सिंगल वेरिएंट का फोन आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे भी आपको LPDDR4X का रैम मिलेगा और 512 GB का आपको यहाँ पे एक्सपेंडेबल ऑप्शन जो है वो मिल जाएगा। बात करें अपने आखिरी फोन यानी पोको के पोको M3 की, तो यहाँ पे आपको 4 GB का सिंगल रैम का वेरिएंट मिलेगा, लेकिन 64 GB और 128 GB का आपको यहाँ पे स्टोरेज वेरिएंट जो मिल जाएगा। हालांकि यहाँ पे आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट मिलेगा अप टू 512 GB का एक्सपेंडेबल ऑप्शन के साथ, ये बहुत ही बढ़िया बात है। अगर आपको 128 GB भी इनफ नहीं लग रहा है तो आप चाहे तो इसको 512 GB तक का एक्सपेंड कर सकते हैं। दोस्तों बात करते करते हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे बैटरी पे, तो यहाँ पे बैटरी की बात करें तो पोको M2 में आपको 5000 mAh का बैटरी जो है वो मिल रहा था। ली पॉलीमर का बैटरी जहाँ पे क्वालिटी दिया गया है, 18 W का फास्ट चार्जर जो है ये फोन को ये सपोर्ट करता है, तो यहाँ पे वो भी इनबॉक्स आपको मिल जाएगा। वही पे बात करें मोटोरोला की, मोटोरोला में भी आपको 5000 mAh का बैटरी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे ली आयन का बैटरी है 20 W का आपको यहाँ पे चार्जिंग जो है वो सपोर्ट कर रहा है। लेकिन मजेदार बात यह है कि पोको के पोको M3 में आपको 6000 mAh का बैटरी मिल रहा है, ली पॉलीमर का यहाँ पे टाइप है, साथ ही साथ में 18 W का आपको यहाँ पे इनबॉक्स चार्जर मिल रहा है। हालांकि ये फोन जो है 22.5 W का चार्जिंग जो है वो सपोर्ट करता है, तो अगर आपके पास पैसा एक्स्ट्रा है आप चाहे तो एक एडिशनल एडाप्टर खरीद के इसको फास्ट चार्जिंग और तेज कर सकते हैं। और दोस्तों बात करते करते पहुंच चुके हैं हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है उस पर, यानी कि कौन से रीजंस की वजह से आपको फोन लेना चाहिए और कौन से रीजंस की वजह से आपको फोन को अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग हमेशा देखते हैं यहाँ पे कौन से रीजंस की वजह से आपको फोन लेना चाहिए, तो सबसे पहले यहाँ पे पोको M2 के रीजंस देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मीडियाटेक हेलियो G80 का एक पावरफुल प्रोसेसर मिल रहा है, 5000 mAh का बैटरी मिल रहा है, 13 MP का क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है जबकि बाकी दो फोन में क्वाड कैमरा सेटअप नहीं है, और आपको 6.53 इंच का फुल HD+ का एक स्क्रीन जो है यहाँ पे मिल रहा है IPS LCD का, तो बहुत ही बढ़िया एक स्क्रीन, बैटरी बैकअप और प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिल रहा है। वही भी बात करें मोटो G9 की, तो क्वालकॉम का 662 का यहाँ पे आपको पावरफुल प्रोसेसर मिल रहा है, 5000 mAh का बैटरी इसमें भी है। मेगापिक्सल की बात करें तो ट्रिपल रियर कैमरा में आपको यहाँ पे 48 MP का जो है ट्रिपल रियर कैमरा मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छी वाली बात है। अगर आपको प्राइमरी कैमरा में ज्यादा इंटरेस्ट है तो आप यहाँ पे इसको चूज कर सकते हैं। वही भी बात करें पोको के लेटेस्ट पोको M3 की, तो यहाँ पे आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 662 का प्रोसेसर मिलेगा, वही भी आपको 6000 mAh का मैसिव बैटरी जो है यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि 22.5 का चार्जिंग यहाँ पे सपोर्ट करता है, तो ये भी एक अच्छी वाली बात है जो कि बाकी फोन में मिसिंग है। और आपको यहाँ पे 48 MP का आपको यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा मिल रहा है, तो ये भी एक अच्छी वाली बात है कि आपको यहाँ पे अच्छा एक डिसेंट कैमरा मिल रहा है, तो यहाँ पे आप चाहे तो अच्छा फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर और एक अच्छा बैटरी बैकअप वाला फोन भी आपको यहाँ पे मिल रहा है। अब जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पे कौन से रीजंस की वजह से आपको फोन को अवॉइड करना चाहिए ताकि आपका डिसीजन मेकिंग जो है और भी ईजी हो जाए। जल्दी से यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे कौन से रीजंस की वजह से आपको फोन को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे पोको M2 की, तो आपको यहाँ पे 13 MP का सिर्फ और सिर्फ क्वाड कैमरा मिल रहा है, तो यहाँ पे मेगापिक्सल के हिसाब से सबसे कम यहाँ पे मेगापिक्सल आपको तीनों फोन में मिल रहा है। वहीं पे आपको फ्रंट में सिर्फ और सिर्फ 8 MP का कैमरा मिल रहा है। एड्स आपको यहाँ पे पोको के MIUI जो है यूजर इंटरफेस उसके अंदर मिल जाएगा, तो ये भी एक बहुत ही गंदी वाली बात हो सकती है बहुत लोगों के लिए। ब्लॉट वायर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे देखने को, 64 GB का इंटरनल मेमोरी यहाँ पे आपको मिल रहा है, तो ये भी एक डाउन साइड हो सकता है इस फोन का। यहाँ पे बात करें मोटो G9 की, तो आपको यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल रहा है, हालांकि यहाँ पे आपको पोको M2 में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है 8 MP का, इसमें भी आपको फ्रंट कैमरा है। इस रेंज में बहुत सारे कंपनी है जो 16 MP प्रोवाइड कर रहे हैं। वही पे 64 GB का इंटरनल यहीं पे भी है और HD+ का रेजोल्यूशन है। साथ ही साथ में एक बहुत ही डरावनी वाली बात है क्योंकि आपके यहाँ पे 64 GB के साथ यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट दिया गया है, तो ये भी एक बहुत ही सोचने वाली बात आपको हो सकती है। तो आप अगर इंटरनल मेमोरी के भूखे हैं तो आपके लिए फोन बिल्कुल नहीं है। अब बात करें पोको M3 की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिल रहा है, साइड में आपको यहाँ पे ब्लॉट वॉस मिलेंगे क्योंकि MIUI यहाँ पे भी रन करता है, और ओनली 4 GB है यहाँ पे, 6 GB का भी रैम का वेरिएंट का ऑप्शन जो है आपको नहीं मिलने वाला, तो ये भी आपको सोचना पड़ेगा।
तो आशा करूंगा स्टेप बाय स्टेप कंपेरिजन के आपके दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा कि कौन सा फोन आपके लिए सही है, कौन सा फोन आपके लिए सही नहीं है। नीचे इस तीन फोन के बारे में अगर कुछ भी सवाल हो तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में ऊपर के स्क्रीन के इस वीडियो को देखना मत भूलिए, इसमें भी आपको बहुत ही अच्छा एक जानकारी मिल जाएगी कि इसी सेगमेंट के बाकी फोन्स के साथ इसके कंपैरिजन कैसे हम लोग कर सकते हैं। उसके साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक करना मत भूलिए, क्योंकि जितने सारे वीडियोस में पोको M3 या फिर मोटो G9 या फिर पोको M2 के कंपैरिजन में फेस ऑफ सीरीज में बनाऊंगा, नीचे आपको सारे के सारे लिंक जो है वो मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।